साउथ की फिल्में अच्छी होती हैं यार, नहीं बॉलीवुड की अच्छी होती है। साउथ की अच्छी होती है, बॉलीवुड की अच्छी होती है। बस करो यार। मतलब ये बॉलीवुड वर्सेस साउथ कब तक चलता रहेगा? अब तो यार ये दोनों आपस में मिलकर फिल्म बनाने लग गए हैं। वैसे भी पुष्पा आएगी तो देखने जाओगे ना, कल की 2898 ईडी आएगी प्रभास की, तो सब देखने जाएंगे ना यार। ये बॉलीवुड वर्सेस साउथ क्यों लगा रखा है? पर यार इस सब के बीच में ना मुझे एक बात तो कहनी है कि जब ये साउथ वाले बॉलीवुड में डेब्यू करते हैं तो अक्सर फ्लॉप क्यों हो जाते हैं? ऐसा है सच में? कौन कौन से स्टार्स हैं ऐसे, बताऊंगी आपको आज की इस लिस्ट में। तो वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी बात झूठ नहीं है, प्रूफ कर दूंगी आपको इस पूरी वीडियो में। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी जाट गर्ल। यार इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, अभी एक खाली में मूवी आई थी BMCM बड़े मियां छोटे मियां, इसमें भी एक साउथ का स्टार था, सुपर स्टार था, फ्लॉप हो गई मूवी। लास्ट ईयर क्रिसमस आई थी, फ्लॉप हो गई मूवी, उसमें भी साउथ का सुपरस्टार था ना। यकीन करते हो ना मेरी बात पे। और मेरी ये लिस्ट काफी लंबी है, तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर पता है कौन आता है? कल की 2898 के स्टार। यार प्रभास के बारे में बात करी, बात करना नहीं चाहती थी सबसे पहले नंबर पर, आजकल उनके दिन अच्छे चल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, करते हैं। देखो यार, इनकी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म आई थी साहो 2019 में, सुजीत ने डायरेक्ट किया था, भूषण कुमार टी सीरीज और यूवी क्रिएशन बैनर तले ये मूवी बनी थी। ये मूवी तो हिट थी, इस मूवी में श्रद्धा कपूर भी इनके साथ थी, अच्छा खासा कलेक्शन किया था 400 करोड़ के पार बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन ट्विस्ट ये कि प्रभास ने इस मूवी के थ्रू बॉलीवुड में डेब्यू किया है नहीं, साल 2014 में इनकी एक मूवी आई थी प्रभु देवा के साथ, एक्शन जैक्शन इस फिल्म का नाम था। इस मूवी के थ्रू उन्होंने कैमियो किया था बॉलीवुड में और इसमें उनका एक गाना भी था। तो भाई ये मूवी फ्लॉप थी, जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि भाई जब ये साउथ वाले बॉलीवुड में आते हैं ना तो ये फ्लॉप हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के टॉप स्टार पृथ्वीराज सुकुमार। देखो यार, इस साल इनकी दो बड़ी फिल्में आ चुकी हैं, गॉट और दूसरी जो आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ टाइगर श्रॉफ के साथ। ऐसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ के थ्रू इन्होंने डेब्यू नहीं किया, बहुत टाइम पहले एक मूवी आई थी अय्या करके, तुमने देखी भी नहीं होगी पर मैंने जरूर देखी है। इस मूवी में इन्होंने रानी मुखर्जी के साथ डेब्यू किया था और भाई ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरे तरीके से फ्लॉप हुई थी। ऐसे ही थोड़ी मैं कह देती हूँ कि जब जब ये साउथ वाले बॉलीवुड में आते हैं तब तब इनकी नैया डूब जाती है। तीसरे नंबर पर आते हैं रामचरण। देखो साल 2013 में सिनेमाघरों में एक फिल्म आई थी, एक्शन क्राइम फिल्म थी, मूवी का नाम था जंजीर। फिल्म में रामचरण और प्रियंका चोपड़ा साथ में काम कर रहे थे। ये अमिताभ बच्चन वाली जंजीर का रीमेक थी और भाई कितनी घटिया एक्टिंग की थी यार रामचरण ने इसमें। भाई इस मूवी का बजट तक निकलना रह गया था, पता है तुम्हें, 60 करोड़ के बजट में बनी थी और मूवी ने कमाए कितने, 22 करोड़। मैं मतलब उसके बाद से रामचरण को बॉलीवुड में नहीं देखना चाहती, भाई पैसा बर्बाद करने की मशीन हो जाते हैं बॉलीवुड में आते ही। अब चौथे नंबर पर जिनकी बात कर रही हूँ, उनकी मूवी आने वाली है कंगुआ, बॉबी देओल के साथ फुल ऑन टक्कर होने वाली है। इन्होंने भी बॉलीवुड डेब्यू किया था, राम गोपाल की एक फिल्म आई थी साल 2010 में जिसका नाम था रक्तचरित्र 2। वैसे सूर्या की ये फिल्म ना बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी कमाल नहीं दिखा पाई थी, बहुत ही बेकार मूवी थी, अगर तुमने नहीं देखी है ना तो बिल्कुल भी मत देखना। ऐसे लिस्ट बहुत सारी है लंबी, बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया है साउथ वालों का, आप सबके बारे में बात तो नहीं कर सकते ना यार। बाकी यार मैं प्रभास की कल की 2898 ईडी का बड़ा इंतजार कर रही हूँ और बॉबी देओल और सूर्या की आपस में भिड़ंत को भी देखना चाहती हूँ। तुम बताओ, तुम्हें भी मेरी बात सही लगती है कि नहीं, तुम कौन सी मूवी का इंतजार कर रहे हो ये भी बताना। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम एक ही काम करना है यार, फिल्मी जाट गर्ल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है।